वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम की डेट करीब है, तो लॉकडाउन के ये सीज़न गोल्डन टाइम है अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CDP का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आगमन व निगमन विधि। टॉपिक से क्वेश्चन सिर्फ सीटेट में ही नहीं बल्कि सभी टेट्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, आगमन व निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु थे, यानी कि इन विधियों से हमारा इंट्रो जो करवाया था वो अरस्तु ने करवाया था। आगमन विधि, आगमन विधि को थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है क्योंकि इसमें शिक्षण प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। आगमन विधि का जो टीचिंग मेथड है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो थकान भी होती है, इसीलिए इसको थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है। निगमन विधि, कक्षा शिक्षण में निगमन विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विधि विज्ञान व गणित के शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। मेनली जो निगमन विधि का यूज़ किया जाता है वो साइंस और मैथ्स की टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं आगमन और निगमन विधि के क्या रूल्स हैं, ये किस बेसिस पर चलती हैं। पॉइंट आगमन विधि में कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर। उदाहरण से नियम की ओर से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले एक बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाए और फिर बाद में उसको बताया जाए कि ये क्वेश्चन जो है किस मेथड से, किस रूल से सॉल्व किया गया था। वहीं दूसरी ओर निगमन विधि, जैसे कि हम सब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला देखेंगे और फिर उसी फार्मूले के बेसिस पर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि किसी स्पेशल चीज़ से उसको नॉर्मल की तरफ बढ़ना। निगमन, सामान्य से विशिष्ट की ओर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं आगमन विधि, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि जैसे किसी बच्चे को पहले से किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, हम उसी के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट से उस बच्चे को बताएं, यानी कि पूर्व ज्ञान से रिलेट करके, उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके हम उसको कोई न्यू फैक्ट उसी चीज़ के बारे में बताया जाए। अब निगमन विधि, पहले हम उसको फैक्ट बता देते हैं और फिर बाद में उसका इंट्रो करवाते हैं। फोर्थ पॉइंट, मूर्त से अमूर्त की ओर, आगमन विधि में। अब ये मूर्त और अमूर्त को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मूर्त का मीनिंग होता है कि वह चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, वह महसूस कर सकते हैं। मूर्त वो होता है कि जिसको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और अमूर्त वह होता है जिसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि वास्तविकता से विचारों की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि विचारों से वास्तविकता की ओर। पॉइंट नंबर 5, ऊर्ध्वगामी बॉटम अप अप्रोच, यानी कि इसमें नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है, कि जैसे पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर उसके बाद नियम बताया जाता है। अधोगामी टॉप टू डाउन अप्रोच, इसमें पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण बताया जाता है। नंबर 6, ज़्यादा समय लगता है, आगमन विधि में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि इसका प्रोसेस लंबा होता है, इसमें उदाहरण बताया जाता है और फिर नियम की ओर जाते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। निगमन विधि में समय कम लगता है क्योंकि हमारे पास इसमें एक सीधा सा प्रोसेस होता है कि पहले हमें इसमें नियम पता होता है, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास पहले से उपस्थित है और फिर हम उसे सीधे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 7, आगमन विधि जो है धीमी प्रक्रिया है और निगमन विधि तीव्र प्रक्रिया है।
मनोवैज्ञानिकों ने आगमन विधि को ज़्यादा अच्छा बताया है, क्योंकि हम इसको प्रूव कर सकते हैं, यानी कि ऐसी क्योंकि आगमन विधि को ज़्यादा अच्छा इसलिए बताया गया है क्योंकि इस विधि के अंतर्गत बच्चों को खोज करना सिखाया जाता है। जो हमारे पास प्रत्यक्ष रूप में है, हमारे सामने है, उसका उदाहरण लेकर नए नियम को या नए सिद्धांत की खोज करना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगमन विधि को प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल यानी कि प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है, और निगमन विधि को उच्च यानी कि हाई लेवल की कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।